आई थिंक बहुत ही, और खास करके मुकेश के लिए क्योंकि उसकी बैकग्राउंड ही वही रही है, जो कुछ उसने हासिल किया, आई थिंक इट्स थैंक्स टू दैट एक्सपीरियंस एंड द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ एक्टिंग थैंक्स टू यू नो द ड्रामा बैकग्राउंड. तो बहुत ही बढ़िया. और देखिए साथ साथ आपको इतना सारा टैलेंट भी दिखाई दे रहा था. आई थिंक द बेस्ट वे फॉर हिम ऑल्सो टू मेक श्योर दैट ही कास्ट बेटर एंड बेटर टैलेंट, थिंक इज अ फिनोमिनल एक्सपीरियंस. मैंने कभी थिएटर किया नहीं अनफॉर्चुनेटली, यू नो मौका मिला और एक्टिंग कर ली मैंने, बट आई थिंक थिएटर के बैकग्राउंड से जो आते हैं वो मेरा मानना है कि आउटस्टैंडिंग एक्टर्स होते हैं, जो उनकी कॉन्फिडेंस लेवल हो या डिक्शन हो या वॉइस हो, आई थिंक इट्स अनबिलीवेबल. तो ऐसा होना और ज़्यादा होना, और ख़ास करके यू नो मुकेश छाबरा कास्टिंग कंपनी आप देखेंगे तो the kind of talent हर साल वो industry को दे रहे, it's unbelievable. I think पिछले 4-5 साल में जो अगर आप acting की performances की बात करें तो I think we've had some of the best performances thanks to Mukesh and his casting company. सर ज़्यादातर crowd theater से बचना चाहता है और फिल्मों में आना चाहता है fame के लिए, पैसे के लिए. सर crowd कितना भटक रहा है, मतलब acting? नहीं ऐसे कुछ नहीं, इट्स अ नेचुरल प्रोग्रेशन. अगर आप थिएटर करोगे तो यू विल डेफिनेटली बिकम अ बेटर एक्टर. और सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो ऑडियंस की चॉइस बदल चुकी है. आज वो चाहते हैं कि अलग अलग जगहों से एक्टर आए और वो टैलेंट दिखाई दे. इट्स लाइक देखिए हमारा सबसे फेवरेट स्पोर्ट हमेशा क्रिकेट ही रहा है. थैंक्स टू IPL नेशनल टीम को भी अच्छे क्रिकेटर्स मिल रहे, तो इट्स थैंक्स टू स्टेज एंड थैंक्स टू ड्रामा की फिल्मों में को अच्छे एक्टर्स मिल रहे. नेचुरल वो तो नेचुरल है ही प्रोग्रेशन फ्रॉम थिएटर टू सिनेमा. सभी चाहते हैं कि वो बड़े और अच्छा करे, बट आई थिंक थिएटर विल ऑलवेज रिमेन थिएटर. यू कैन नॉट टेक अवे टैलेंट फ्रॉम थिएटर. सर कोई भी प्ले जो आपको आपका बहुत पर्सनल फेवरेट रहा, बहुत आपने देखा हो पृथ्वी थिएटर में या फिर NSG में? आई एम नॉट अ थिएटर पर्सन. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेज, लेकिन आई एम नॉट अ थिएटर पर्सन. तो मैं वैसे पिन पॉइंट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन यू नो थिएटर इज समथिंग दैट इज़ वेरी. मैं खास करके मकरंद देशपांडे की प्ले बिल्कुल नहीं देखता, क्योंकि मेरा मानना है कि वो एक ओवररेटेड एक्टर. अरे मकरंद तू तेरी बात कर रहा था, आ जा बैठ. तो मैं इन्हीं की बात कर रहा था. तो मैं पहले फिल्म से ये मुझे हमेशा कॉम्प्लेक्स देते आ रहे हैं कि मैं थिएटर थिएटर का एक्टर हूँ. और मुझे याद है, आज भी याद है कि हम लोग पहली फिल्म हमारी शूट कर रहे थे अंत, वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स, और लाइव स्ट्रीट पे तलवार लेके मैं इनके पीछे भाग रहा था, और इनके एक्टिंग के वजह से शटर सब बंद हो गए, तो लोगों को लगा कि मर्डर किसी का खून होने वाला है. आई थिंक दैट्स द इम्पैक्ट दैट थिएटर हैज एंड एक्टर्स लाइक मकरंद देशपांडे हैज. आज बचपन से मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ. और आई थिंक व्हाट ही मेंट वाज द फैंटास्टिक थिंग व्हाट आई फील इज कि रियल में जो घटता है वो नाटक है, तो फिल्मों की शूटिंग के दौरान जो घटता है वो भी नाटक है. And I think the way he was running after me with that sword, I think that created the natal. So natal. Sir, मैं तो सब सीखता इसी से. अरे वर्कशॉप मेरी इसी के साथ होती थी. मैं बैठ के रिहर्सल्स करता था, उसके बाद शॉट देता था. नो, मुझे साउंड एक्शन साउंड सुन के ही डर लगता था. तो आई थिंक मकरंद ने मुझे बहुत ज्यादा सेटल किया. तो मुकेश छाबरा का नसीब तो नहीं हुआ मुझे, लेकिन मकरंद देशपांडे का जरूर हुआ. मुकेश कहाँ है, बचा मुकेश बचा.